नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया के टॉप 10 मूवीज़ के बारे में। उसके बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 10 पे है फास्ट एंड पॉइंट, जो कि 1968 में रिलीज हुआ था। इसको IMDb पे 9.6 का रेटिंग मिला हुआ है। इसको डायरेक्ट किए थे पीटर लूस और इसके स्टार कास्ट है टीला हॉर्बिकर, पाउला वेस्ले, एलिजाबेथ ऑर्थ, उर्सुला स्टॉल्ट, एडोल्फ लुकान, माइकल जानिस, हैंस ओगन्या, रुडोल्फ रोजनर और हैंस थिमेक। ये एक टीवी मूवी था और ड्रामा बेस्ड था। नंबर 9 पे है सांबा, जो कि 1966 में रिलीज हुआ था और इसको IMDb पे 9.6 का रेटिंग मिला हुआ है। इसको डायरेक्ट किए हैं विलियम डाइटरेले और इसके स्टार कास्ट है हेलमुत लोहनर, इवा केरबुलर, एली सेल्वी, एरिक फ्रे, हेलमेट क्वाल्टिंगर, पानोस पापाडोपुलोस, हैंस जुबेर, वुल्फ गैंग प्रेसेस, हैंस विकर, ली लॉन्गस्टेन, अल्बर्ट लिवेन, आर्मैंड ओजेरे, फेरी क्रिस्टियन। एक ड्रामा बेस्ड टीवी मूवी था। नंबर 8 पे है बैटमैन, जो कि 2011 में रिलीज हुआ था। इसको भी IMDb पे 9.6 का रेटिंग मिला हुआ है। हैंस डाइटर एटलर इसको डायरेक्ट किए थे। स्टार कास्ट में थे एड्रियस एमी हाइजर, माना कागर, एडिस स्टेनर और फ्रांज नोनो स्नेनर। ये एक शॉर्ट ड्रामा मूवी था। नंबर 7 पे है रेडाल, जो कि एक टीवी सीरीज है, जो कि 2018 में रिलीज हुआ था। इसको IMDb पे 9.7 का रेटिंग मिला हुआ है और इसको डायरेक्ट किए थे राडोमिर राडारोविक। डायरेक्ट करने के साथ साथ इसमें उन्होंने एक्टिंग भी किया था और ये सीरीज एक कॉमेडी जेनर का था। नंबर 6 पे है सेवरिन। ये मूवी 1991 में रिलीज हुआ था। इसको भी IMDb पे 7.3 का रेटिंग मिला हुआ है। इस मूवी को फ्रांज मोरक जो है वो डायरेक्ट किए थे और स्टार कास्ट में थे फ्रिट्ज मोलियार, उल्ली फेसल, सोबास्टियन रबिल, ब्रिगेटे स्लेजाक, तुंजा स्वेंजे। और ये मूवी एक टीवी मूवी था। नंबर 5 पे है बाय फ्लेयर मेन्स लॉस्ट टेल फ्रॉम गैलबॉग। मूवी 2012 में रिलीज हुआ था, जिसको IMDb पे 9.8 का रेटिंग मिला हुआ है। इसको एल्मर स्टॉटमैन जो है वो डायरेक्ट किए थे और स्टार कास्ट में है क्रिस्टियन स्टैनबेल, जुआन बारगडा, बास एलहॉस्ट और एरियन वैन हेल्फर्टन। ये मूवी एक शॉर्ट मूवी था स्पोर्ट्स के ऊपर। नंबर 4 पे है पीड पाइपर रीलोडेड। मूवी 2015 में रिलीज हुआ था, जिसको IMDb पे 9.9 का रेटिंग मिला हुआ है और इसके डायरेक्टर हैं फ्रांस बोन्टर मोजलर ग्लिंडर। और इस मूवी के स्टार कास्ट हैं वैलेंटाइन अल्फरी, मार्टिन डॉस्किंस, स्टीफन हिंटरकेयर, पैट कैटरीना जिमेंस, ओलिविया मिथर ह्यूमर, गेरडा मोर्सर किंडलर, मैनुअल पोलजी, जूलियन राउटर, बोरिस स्टीनबिंडर। ये एक शॉर्ट फिल्म था। नंबर 3 पे है स्पाइरल ट्राइब, जो कि 1994 में रिलीज हुआ था। इसको IMDb पे 10 आउट ऑफ 10 स्टार मिला हुआ है और इसको डायरेक्ट किए थे मार्कस कैंटर। और ये मूवी भी एक शॉर्ट मूवी था। नंबर 2 पे है मिस्टर लियो, जो कि 2014 में रिलीज हुआ था। इसको IMDb पे 10 आउट ऑफ 10 स्टार मिला हुआ है। इसको डायरेक्ट किए थे जॉन केनर और इसके स्टार कास्ट है लियोनार्डो थिमो, गैब्रियल पास्टोलचे, मार्क जेमा सावसन, जोहाना मारिया पालमोटा, जॉन्स जॉय टीनेजर, मार्को सांटोस और जॉन केनर। ये एक शॉर्ट म्यूजिकल कॉमेडी मूवी था। नंबर 1 पे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप ऑस्ट्रेलिया के टॉप 10 मूवीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके जान सकते हैं। नंबर 1 पे है एक्टिव सिटीजन्स ऑफ टुडे। इसको IMDb पे 10 आउट ऑफ 10 स्टार मिला हुआ है, जो कि 2014 में रिलीज हुआ था और इसको डायरेक्ट किए थे मार्क जेन सुजेन और मार्को सैंटोस। इसके स्टार कास्ट है बोगडान डीमा, वोइका डिमोभा, एंजेलिना गोर्गीवा, मार्क जर्मेसुसन, एलिना हॉपनेन, मारियटा इवानोवा, जॉन केनोर, फ्रैंक मैजिलियो, मैनफ्रेड, जोआना असिया, माइकल सेजर, राइना ओसलिन, मारियला पाल्मा, जोहाना मारियाना पाल्मोटा, गैब्रियल पोस्टलचे, मार्को सैंटोस। ये एक शॉर्ट डॉक्यूमेंटरी मूवी था। दोस्तों, ये था ऑस्ट्रिया के टॉप 10 मूवीज़ के बारे में कुछ आपको जानकारी। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना। स्टे सेफ एंड गुड बाय।